हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल महाराष्ट्रियन रेसिपी में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मुंबई की जान स्पेशल वड़ा पाव। अगर आपको वड़ा पाव पसंद हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, वड़ा पाव कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 6 पाव, 3 मीडियम बॉइल आलू, 1 कप बेसन, 2 छोटे चम्मच या स्वादानुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच राई के दाने, 1 छोटी चम्मच करी पत्ता, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच नींबू का रस, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तेल और 1/2 ग्लास पानी। सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 कटोरी बेसन, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चुटकी हींग, 1 बड़ा चम्मच तेल। इसे सूखा ही अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालते समय लगातार हिलाते रहेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हिलाते रहेंगे लगातार, इसमें गांठ ना पड़ जाए। इसके लिए पेस्ट गाढ़ा ही चाहिए, इसलिए हम पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। यह हमारा अच्छा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। और नींबू के रस डालने से हमारा बैटर तैयार हो गया, क्रिस्पीनेस आएगी इसमें। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और तेल गर्म होते ही इसमें डाल दें 1 छोटी चम्मच राई के दाने, 1/2 तड़कने के बाद इसमें डाल दें करी पत्ता, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 2 छोटी चम्मच। इसे अच्छे से मिला लें। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। दो मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम उबले हुए आलू को स्मैश करके डालेंगे। आलू थोड़े से गर्म होते ही इसमें डालें 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ये सब डालने के बाद आलू को मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दें।
पकने के बाद इसमें हरी धनिया डाल दे और ठंडा होने के लिए छोड़ दे। ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और इसके छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेना। तैयार बॉल्स को बेसन में अच्छे से लपेट कर डीप फ्राई कर ले। इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकने दें। यह अच्छे से ब्राउन होने के बाद प्लेट में निकाल लें। अब हमारा जो गाढ़ा पेस्ट था उसे थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लेंगे। और इसे तेल में ऐसे ऐसे डाल देंगे। ये हमारी सीक्रेट चटनी के लिए है। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक पकाए। एक क्रिस्पी होने के बाद इसे निकाल ले प्लेट में। चटनी के लिए हमें चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच नारियल, सूखा नारियल, 4 लहसुन की कलियां, 3 से 4 लाल मिर्च और इसे हम कढ़ाई में हल्का सा गर्म कर लेंगे। थोड़ा इसमें तेल डाल लेना और हल्का सा गर्म कर लेना। हल्का सा गर्म होने के बाद हम लाल मिर्च को निकाल लेंगे प्लेट में और कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच सूखा नारियल, 4 से 5 लहसुन कलियां। इसे भी हल्का सा गर्म कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे। हल्का सा गर्म होने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। देखिए सूखा नारियल, लहसुन, लाल मिर्च और हमने जो वो बैटर का बनाया था क्रिस्पी वो भी मिक्सी जार में डाल लेंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारी चटनी पीस कर तैयार हो गई। पाव को हम बीच में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसमें डालेंगे हमारी सीक्रेट चटनी, मुंबई स्पेशल, और इसमें डालेंगे वड़ा पाव, वड़े और ये थोड़ा सा दबा लेंगे।
और ये हमारा मुंबई स्पेशल वड़ा पाव बनके तैयार है। आप घर पे ज़रूर ट्राई करिए और पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ओके, बाय बाय।